Hello students of class 7th. Today we are going to understand chapter 7 that is traditional games of India. इस chapter में हम India के कुछ games के बारे में जानेंगे जैसे कि कबड्डी, कितकित, खो खो और kite flying. तो इन games के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे और इनके rules के बारे में भी पढ़ेंगे. We have earlier read the word meanings of this chapter in previous video. Now let's read about the chapter. Games have been a part of life in India since time immemorial. When we think of sports, we think of games such as football, tennis, cricket. Games such as kabaddi, kitkit, gilli danda rarely come to our mind. Though they have been present for centuries and are played by lands of cities, these games do not require a prepared area or field and are played with enthusiasm and enjoyment in almost every village, town and city of India. Games हमारी life का part रहे हैं बहुत सदियों से. और जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट ऐसे स्पोर्ट्स आते हैं. कबड्डी, कितकित, गिल्ली डंडा ये हमारे माइंड में बहुत कम आते हैं. हालांकि ये गेम्स सेंचुरीज से हमारी सिटीज में खेले जाते हैं, लेकिन इन गेम्स में एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं चाहिए होती है. फिर भी जस्ट एंजॉयमेंट से हर सिटी, हर विलेज, हर टाउन में इंडिया में ये गेम्स खेले जाते हैं. We are all aware that books develop our mind and games develop our body. Healthy mind lives in a healthy body. In the history of humankind, sports have always played an important role. They have been a source of amusement and entertainment and a means of keeping the mind and body fit. हम सभी को पता है कि books हमारे mind को develop करती हैं और games हमारी body को. Healthy mind एक healthy body में ही रह सकता है. तो humankind की history में, मतलब humans की history में sports का हमेशा से बहुत important role रहा है और स्पोर्ट्स हमेशा हमारी लाइफ में मींस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट रहे हैं और हमारी माइंड को और बॉडी को फिट रखते हैं. इंडिया हमेशा कल्चर और ट्रेडिशंस में रिच रहा है, मतलब इंडिया के परंपरा और जो हमारी रीत रिवाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड गेम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडियन कल्चर सिंस फॉर एवर और हमेशा ऐसे ही इंडियन कल्चर का एक पार्ट रहे हैं गेम्स. एंशिएंट इंडिया में Ancient civilizations gaining knowledge was not enough. Health and fitness of one's body was equally important. Ancient India में knowledge gain करना इतना important नहीं था, लेकिन फिर भी fitness gain करना और health maintain करना बहुत important था. Be it Lord Shiv and Parvati playing Pachisi. Lord Shiv और Parvati भी Pachisi खेलते थे. The Pandavas playing their game of dice or Mughals enjoying an afternoon of chess. Games and sports have always played an important role in the history and mythology. ऑफ इंडिया. तो इंडिया की हिस्ट्री को अगर देखें तो लॉर्ड शिव और पार्वती पच्चीसी खेलते थे और पांडवास जो है वो डाइस वाला गेम खेलते थे. मुगल्स जो है वो एंजॉय करते थे चेस के साथ अपनी आफ्टरनून. और गेम्स और स्पोर्ट्स हमेशा से ही इंडिया की हिस्ट्री और मिथोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल रखते आए हैं. ग्रेजुअली द टाइम चेंज एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स और धीरे धीरे टाइम भी चेंज हुआ और उनके साथ हमारे स्पोर्ट्स भी. लॉन्ग बिफोर द क्रिकेट एंड फुटबॉल मेड इट्स एक्सिस्टेंस फेल्ट गेम्स सच एज कबड्डी, काइट फ्लाइंग एंड खो खो वर प्लेड बाय द कॉमनर्स एंड किंग्स. इंटरेस्टिंगली सम ऑफ दिस गेम्स एग्जिस्टेड इवन बिफोर द महाभारत वॉज रिटन. बहुत पहले जब क्रिकेट और फुटबॉल नहीं थे उसके पहले इंडिया में था कबड्डी, काइट फ्लाइंग और खो खो. ये कॉमनर्स मतलब आम इंसान और किंग्स के द्वारा खेले जाते थे. और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि महाभारत लिखी जाने से पहले भी इन गेम्स को खेला जाता था. खोखो रैंक्स एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया. द ओरिजिन ऑफ खोखो इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस. खोखो इन एंशियंट टाइम वॉज प्लेस ऑन रथ और चैरियट्स एंड वॉज नोन एज रथेरा. तो खोखो इंडिया का सबसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जिसमें परंपरा बहुत ज़्यादा है. और खोखो की जो ओरिजिन है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो डिफ़िकल्ट है निकालना. लेकिन खोखो पुराने समय में रथ पर खेला जाता था, इसीलिए उसका नाम तब रथेरा था. इट इज़ अ गेम विच डिमांड स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना एंड एजिलिटी एंड अलर्टनेस. ये ऐसा गेम है जिसमें हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ताकत की, स्पीड की, स्टेमिना और एजिलिटी. स्टेमिना मतलब कितनी फुर्ती से काम करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी, और एजिलिटी मतलब कि स्पीड से मूव करने की हमारी एबिलिटी, और अलर्टनेस ये सारी चीज़ें हमें खो खो खेलने के लिए ज़रूरी होती हैं. इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द गेम देयर एग्जिस्ट टू टीम्स. और आजकल हम रथ पे नहीं
खेलते तो दो टीम्स होती हैं, वन टीम सिट्स और नेल्स इन द मिडल ऑफ कोर्ट इन अ रो, एक टीम रो में नीचे बैठती है अल्टरनेटली फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, और अल्टरनेटली उनके फेसेस अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। द चेजर में पास इज टास्क टू अ टीम मेट एंड सिटिंग इन द सेंटर एट स्क्वायर्स बाय टचिंग द टीम मेट्स बैक एंड शाउटिंग खो, तो उनका एक टीम मेट जो होता है वो एट स्क्वायर्स जो बने हुए रहते हैं सेंटर में उन टीम मेट की बैक को टच करके खो बोलता है, उन्हीं का एक टीम मेट जिसके ऊपर टास्क पास करना होता है। डॉजिंग एंड कंट्रोल स्पीड मेक दिस गेम क्वाइट थ्रिलिंग, डॉजिंग मतलब कि क्विकली मूवमेंट करना और स्पीड को कंट्रोल करना इस गेम को और भी ज़्यादा थ्रिलिंग बनाते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इंटरटेनिंग बनाते हैं। द गेम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैप ऑल द अपोनेंट्स इन फील्ड विंस, और वही टीम जो सबसे कम टाइम लेती है सभी अपोनेंट्स को पकड़ने में वो फील्ड जीत जाती है। अनदर गेम विच वॉज प्राइमरली डेवलप्ड टू इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड वॉज कबड्डी, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो गेम मेनली डेवलप हुआ था वो गेम है कबड्डी, जिसमें स्पीड जानी जाती है। द गेम ऑफ कबड्डी फाइंड्स अ प्लेस इन हिंदू मिथोलॉजी, कबड्डी गेम को हिंदू की मिथोलॉजी में, मिथोलॉजी मतलब कि जो हम मानते हैं हमेशा से परंपराएं मानते आए हैं उसमें कुछ प्लेस दी गई है, जगह दी गई है। इट इज़ सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रेट इंडियन एपिक महाभारत, ऐसा माना गया है कि कबड्डी महाभारत की टाइम से चली आ रही है। वेर अभिमन्यु गेट्स ट्रैप्ड इन अ चक्रव्यूह क्रिएटेड बाय एनिमीज, जब अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंस गया था, एनिमीज अपने सारे एनिमीज से घिरा हुआ था, तब वहाँ से निकलना अभिमन्यु के लिए बिना किसी की पकड़ में आए मुश्किल था। द गेम वॉज प्लेड टू बूस्ट द सेल्फ डिफेंसिव स्किल्स एंड टू डेवलप क्विक रिस्पॉन्सेज टू अटैक्स, इस गेम्स को खेला जाता है जब सेल्फ डिफेंसिव स्किल्स हो इंसान के पास, सेल्फ डिफेंसिव स्किल्स मतलब खुद को बचाने की स्किल्स और अटैक के ऊपर क्विक रिस्पॉन्स करने की स्किल्स। इट इज़ अ गेम ऑफ डॉजिंग ब्रेथ कंट्रोल एंड शार्पनिंग द रिफ्लेक्सेस ऑफ काउंटर अटैक्स, ये गेम है जहाँ डॉजिंग, डॉजिंग मतलब क्विकली मूव करना, ब्रेथ को कंट्रोल करना और काउंटर अटैक्स को शार्पली रिफ्लेक्स करना। अ प्लेयर होल्डिंग हिज और हर ब्रेथ ट्राइज टू टच एन अपोनेंट एंड रिटर्न टू हिज और हर टीम, एक प्लेयर को क्या करना रहता है, अपनी ब्रेथ को होल्ड करना रहता है, अपोनेंट को टच, अपोनेंट के टीम मेट्स को टच करना पड़ता है और वापस अपनी टीम में आना पड़ता है। ऑल द वाइल चैंटिंग कबड्डी कबड्डी, और यहाँ पर इन सभी के टाइम पे उसको क्या बोलना पड़ता है, कबड्डी कबड्डी। कबड्डी इज़ एन एशियन गेम इवेंट सिंस 1990 से कबड्डी एशियन गेम्स इवेंट रहा है। इंडिया हैज़ ऑलवेज वॉन गोल्ड इन कबड्डी टूर्नामेंट्स, कबड्डी टूर्नामेंट्स में हमेशा इंडिया को गोल्ड और गोल्ड मेडल्स लगते हैं। अनादर स्पोर्ट विच डेट्स बैक टू एंशियंट टाइम्स इज रेसलिंग, एक और स्पोर्ट है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो है रेसलिंग। द हिंदू एपिक्स ऑफ महाभारत एंड रामायण कंटेन नंबरस रेफरेंसेज अबाउट इट, हिंदू की जो रामायण और महाभारत एपिक्स हैं जो हमारी कथाएं मानी जाती हैं, तो इनमें रेसलिंग के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रेसलिंग उस टाइम पर खेली जाती थी इसके प्रमाण देते हैं। द कैरेक्टर्स लाइक भीम, करण, दुर्योधन वर स्ट्रॉन्ग रेसलर्स हु आर मैंशन इन द महाभारत, महाभारत में भीम, करण, दुर्योधन ये स्ट्रॉन्ग रेसलर्स रह चुके हैं। हनुमान वॉज अ पावरफुल रेसलर एज पर द रामायण, और रामायण के अकॉर्डिंग हनुमान एक पावरफुल रेसलर थे। रेसलिंग इज रिफर टू एज मल्लयुद्ध, रेसलिंग को हम मल्लयुद्ध भी बोल सकते हैं। द रेसलर्स आर लोकली रिफर्ड एज पहलवान एंड देर आर ट्रेन इन अखाड़ाज और रेसलिंग स्कूल्स एंड दंगल्स, तो रेसलर्स जो होते हैं जो रेसलिंग करते हैं उनको हम पहलवान बोलते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है अखाड़ाज में या फिर रेसलिंग स्कूल या दंगल में। अर्लियर इंडियन रेसलर्स परफॉर्म द गेम इन डीप स्टोन कोर्टयार्ड, पहले रेसलिंग की जाती थी डीप मतलब गहरे स्टोन के बने हुए कोर्टयार्ड में। टुडे हाउएवर रेसलिंग इज बिंग डन ऑन रेसलिंग मैट्स एंड रिंग्स, और आज रेसलिंग की जाती है रेसलिंग मैट्स या रिंग्स पे। द किंग्स एंड एम्परर्स ऑफ एंशियंट इंडिया इंश्योर दैट दे रिसीव होलसम एंड न्यूट्रिशियस डाइट विच कंप्राइज मिल्क, पल्सेस एंड स्वीट्स, द रेसलर यूज टू मेंटेन देयर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ बाय परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो किंग्स और एम्परर्स जो हैं वो एंशियंट इंडिया के, वो
अपना न्यूट्रिशियस डाइट लेते थे, पूरा कंप्लीट मिल्क, दालें और स्वीट लेकर, और रेसलर्स जो थे वो अपनी हेल्थ को स्ट्रेंथन करते थे, मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाते थे फिजिकल एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे करके। इंडियन रेसलर्स सच एज सुशील कुमार सोलंकी, साक्षी मलिक, गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी हैव नॉट ओनली वॉन मेडल्स बट ऑल्सो मेड इंडिया अ प्राउड कंट्री विद देयर अनवेवरिंग स्ट्रेंथ। इंडियन रेसलर्स जो हैं इन सभी ने सिर्फ मेडल्स नहीं जीते हैं बल्कि इंडिया को एक प्राउड कंट्री भी बनाया है अपनी एक अलग ही स्ट्रेंथ दिखाकर। इंडिया इज़ अ लैंड वेयर मैनी फॉर्म्स आर इन्फ्यूज इन वन अनादर। काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी इज अ स्पोर्ट विच वॉज प्लेड बाई किंग्स एंड अनादर नोबिलिटी ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स एंड इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल इन इंडिया। इंडिया एक ऐसी लैंड है जहाँ पर सारे फॉर्म्स एक दूसरे के अंदर ही इन्फ्यूज हैं। पतंगबाजी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो तब भी राजा खेलते थे और आज भी एक फेस्टिवल के जैसे इंडिया में मनाया जाता है। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन गुजरात ड्यूरिंग मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के टाइम पे गुजरात में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। दिस डे इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट डेज इन इंडिया। ये डेज इंडिया के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट डेज में से माना जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ काइट फ्लाइंग इज़ टू कट डाउन अनादर प्लेयर्स काइट विद द स्ट्रिंग एंड देन चेज आफ्टर द काइट टू रिट्राइव इट। प्लेयर्स ऑल्सो हैव पार्टनर्स टू हेल्प रन आफ्टर द काइट बिकॉज इट इज़ मच फास्टर एंड ईजियर दैट वे। इफ़ अ पर्सन इज एबल टू रिट्राइव द काइट इट इज़ कंसिडर्ड अ ट्रॉफी ऑफ सॉर्ट। तो काइट फ्लाइंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि दूसरे प्लेयर की काइट को कट करना है, उसकी स्ट्रिंग को, उसके धागे को कट करना है और उसकी कटी हुई पतंग को पकड़ना है। प्लेयर्स के पार्टनर्स भी होते हैं जो कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए उनकी हेल्प करते हैं और ये गेम को ईजियर और फास्टर बनाते हैं। तो अगर एक पर्सन की कटी हुई पतंग मिल जाती है तो जिसको पतंग मिलती है उसको ट्रॉफी मिलती है। गिल्ली डंडा इज़ अ क्रिकेट लाइक गेम प्लेड ट्रेडिशनली इन द इंडियन विलेजेस। द गेम इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड 2500 ईयर्स अगो ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर। गिल्ली डंडा एक और गेम है जो कि क्रिकेट जैसा होता है और गेम जो है 2500 साल पुराना है, मौर्य एम्पायर में स्टार्ट हुआ था। द गेम इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स ऑल ओवर द इंडिया। इट इज़ नोन एज दंगुली इन बंगाली, चिन्नी डांडू इन कन्नड़, कुटियम कोलम इन मलयालम, वेती डांडू इन मराठी एंड गुल्ली डंडा इन पंजाबी। तो गेम्स को इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या बोला जाता है गिल्ली डंडा को, वो नेम्स दिए हुए हैं। दिस गेम इज़ प्लेड विथ टू वुडन स्टिक्स। इस गेम को दो लकड़ी के स्टिक से खेला जाता है। अ गिल्ली विच इज़ अ स्मॉल स्टिक विथ अ लेंथ ऑफ अराउंड 3 inches एंड अ डंडा विच 2 foot लॉन्ग स्टिक दैट इज टेपर्ड एट द एंड्स विथ सर्व्स एज अ बैट। एक गिल्ली जो छोटी होती है जिसकी जो लेंथ होती है वो 3 inch होती है और डंडा जो 2 foot लॉन्ग होता है और उसको दोनों एंड से क्या किया जाता है, टेपर्ड किया जाता है। विच सर्व्स एज अ बैट, जिसको बैट जैसा माना जाता है। द स्टिक कैन बी मेड एट होम बाय अ कारपेंटर। स्टिक्स को घर पे बनाया जा सकता है, हम इन दोनों को घर पे बना सकते हैं और कारपेंटर से भी बनवा सकते हैं। द गेम इज़ जनरली प्लेड इन स्ट्रीट्स और एनी ओपन स्पेस। जनरली इस गेम को एक ओपन स्पेस में खेला जाता है। दिस कैन बी प्लेड एज अ टीम स्पोर्ट और एज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। हम इसे एक टीम के साथ भी खेल सकते हैं और इंडिविजुअली अकेले भी खेल सकते हैं। फॉर टीम गेम्स प्लेयर्स आर डिवाइडेड इंटू टू टीम्स। द टीम दैट विंस और टॉस विल चूज एदर टू बैट फर्स्ट और फील्ड फर्स्ट। टीम गेम्स में प्लेयर्स डिवाइड होते हैं दो टीम्स में और जो टीम टॉस जीतती है उसको बैट या फील्ड फर्स्ट का चांस मिलता है। The circle is drawn on the ground, an oval-shaped hole is dug in the center of the circle. Circle के center में एक oval-shaped का hole dug खोदा जाता है। The 3 inch long गिल्ली is placed across the hole. इस hole के आसपास ये गिल्ली रखी जाती है। The striker then uses the danda to throw the गिल्ली up in the air and then strikes the गिल्ली when it इन द एयर। और जो स्ट्राइकर होता है, जिसको मारना होता है, जिसका बैटिंग चांस होता है, वो क्या करता है, गिल्ली को स्ट्राइक करता है, उसको एयर में डालता है और जब वो एयर में है तभी उसको उसको स्ट्राइक करना है। इफ़ अ फील्डर कैचेस अ गिल्ली द स्ट्राइकर इज रूल्ड आउट। अगर फील्डर गिल्ली को कैच कर लेता है तो स्ट्राइकर आउट हो जाता है। इफ़ इट फॉल्स सेफली देन द डिस्टेंस बिटवीन द गिल्ली एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मेजर्ड यूजिंग डंडा। अगर वो सेफली गिर जाती है कहीं पे तो वो गिल्ली और सर्कल की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है डंडे से। द लेंथ ऑफ डंडा इज इक्वल टू 1 run। डंडे की जो लेंथ होती है उसको 1 run के इक्वल मानते हैं। सो द टर्म
टीम विद द मैक्सिमम स्कोर विंस द गेम. वो टीम जिसका स्कोर मैक्सिमम होता है वो गेम जीत जाती है. दिस ट्रेडिशनल इंडियन गेम रिक्वायर्स एक्सेप्शनल हैंड आई कोऑर्डिनेशन एबिलिटी टू कैच एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट. और इस गेम में क्या क्या चाहिए? हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, कैच करने की एबिलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिस्ट चाहिए. द वन स्ट्रीट गेम दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैज़ प्लेड इज कितकित. एक और स्ट्रीट गेम है, स्ट्रीट गेम मतलब जो गलियों में खेला जाता है, वो है कितकित. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्कत दुक्कत स्टापू पांडी इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में इसको इक्कत दुक्कत स्टापू या पांडी भी बोलते हैं. कुंटे बिल्ले इन कर्नाटका एंड खाने इन कश्मीर. कर्नाटका में कुंटे बिल्ले बोलते हैं और खाने बोलते हैं कश्मीर में. द गेम इज कॉल्ड हॉपस्कॉच इन इंग्लिश. इंग्लिश में इसको हॉपस्कॉच भी बोला जाता है. कितकित रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी एंड निम्बलनेस. तो कितकित में हमें फिजिकल एबिलिटी चाहिए और निम्बलनेस चाहिए, मतलब बैलेंस चाहिए. इट डज नॉट रिक्वायर अ बिग प्लेस. ज़्यादा बड़ी प्लेस नहीं चाहिए होती इसको खेलने के लिए. इट कैन बी प्लेड इन द स्ट्रीट्स इनडोर और आउटडोर. हम स्ट्रीट्स में इसे अंदर या बाहर खेल सकते हैं, घर में या फिर बाहर. एट ब्लॉक्स आर ड्रॉन बाय अ चॉक और अ स्मॉल ब्रिक पीस. इच प्लेयर यूजेस अ मार्कर सच एज फ्लैट स्टोन बटन और शेल. एट ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं चॉक से या ब्रिक पीस से और हर मार्कर पे एक फ्लैट स्टोन हमें डालना पड़ता है. To start the game, the player has to stand behind the starting line and toss his or her marker in the first block. और गेम स्टार्ट करने के लिए जो भी प्लेयर है उसको सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता है, वन फर्स्ट ब्लॉक के भी पीछे, और अपना मार्कर जो भी उसने फ्लैट स्टोन बटन शेल जो भी लिया है उस मार्कर को उसको फर्स्ट ब्लॉक में डालना होता है. और फिर उसे फर्स्ट ब्लॉक में से लेकर सेकेंड से एट तक पास करते हुए उसे वहाँ तक जाना होता है. The player has to hop over the first block and second one and then continue hopping the eighth block, turn around, hop back in second block, pause and then pick up the marker and hop in the first block and step out. तो उसे वहाँ से एट्थ मार्क तक जाकर वापस टर्न करके रिटर्न आना होता है और उस मार्कर को वापस लेकर फर्स्ट ब्लॉक से बाहर आना होता है. देन ही और शी हैज़ टू टॉस द मार्कर इन द सेकेंड ब्लॉक. उसके बाद में फर्स्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद में उसको वही हॉप वही मार्कर को सेकेंड ब्लॉक में डालना पड़ता है. दिस गोज अंटिल द प्लेयर रिचेस द एट्थ ब्लॉक एंड कंप्लीट्स द लैप सक्सेसफुली. ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक वो एट्थ ब्लॉक तक अपने मार्कर को ना पहुंचा दे और वापस उसको ना ले आए. इन दिस गेम द प्लेयर हैज़ टू डू ऑल द होपिंग ऑन वन फुट. इस पूरे गेम में एक फुट पर मतलब एक पैर पर खड़े रहकर प्लेयर को ये गेम कंप्लीट होना होता है. अनलेस देर आर टू लेटरल ब्लॉक्स, मतलब जब तक दो लेटरल ब्लॉक्स नहीं आते. वेयर द प्लेयर कैन लैंड ऑन बोथ फीट, जहाँ पर प्लेयर हर ब्लॉक में एक फीट रख सकता है. द गेम ऑफ कितकित इज़ अ सिंपल या ट्रिकी. कितकित का जो गेम होता है वो सिंपल होता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है. इट रिक्वायर्स अ गुड बैलेंस एंड प्रिसिशन. गुड अच्छा बैलेंस भी चाहिए और हमें करेक्टनेस भी चाहिए कि हम सेकेंड के बाद थर्ड वाले ब्लॉक में ही डाल रहे हैं. अ प्लेयर इज डिक्लेयर टू बी आउट ऑफ द मार्कर, डज नॉट लैंड इन द राइट ब्लॉक, टचेज द लाइन और प्लेयर लूजेज इज बैलेंस एंड टचेज द लाइन. एक प्लेयर को आउट माना जाता है अगर मार्कर राइट ब्लॉक में नहीं गया या फिर किसी लाइन को टच हुआ या फिर प्लेयर का बैलेंस लूज हो गया या फिर बैलेंस उसका जो पैर होता है प्लेयर का वो लाइन को टच कर गया, तो उसको आउट माना जाता है. द गेम ऑफ चेस कैन ओनली बी प्लेड विद द स्ट्रेटजीज ऑफ शार्प माइंड. एक और गेम के बारे में पढ़ेंगे हम जो कि है चेस. चेस का जो होता है उसमें हमें प्लान्स बनाने होते हैं अपने शार्प माइंड से. द प्लेयर नीड्स टू विजुअलाइज एंड कैलकुलेट हिज और हर मूव्स. प्लेयर को अपने मूव्स को कैलकुलेट करके चलना पड़ता है. चेस ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया एंड वॉज नोन एज चतुरंगा, मीनिंग फोर बॉडीड, एज इट वॉज प्लेड बाय फोर प्लेयर्स. तो चेस इंडिया में पहले खेला जाता था और उसको चतुरंगा बोलते थे, मतलब कि चार बॉडीज वाला, और तभी चार प्लेयर्स खेलते थे. रेफरेंस ऑफ चेस इज फाउंड इन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ रामायण एंड महाभारत. रामायण और महाभारत के टेक्स्ट में भी चेस का रेफरेंस पाया गया है. लेटर इट वॉज नोन एज शतरंज, बाद में इसे शतरंज बोला गया. द गेम ऑफ चेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पर्सिया बाय एन इंडियन किंग हु सेंट द बोर्ड ऑफ किंग ऑफ पर्सिया फ्रॉम हेयर इट स्प्रेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. चेस का गेम पर्सिया में इंट्रोड्यूस हुआ, एक इंडियन किंग ने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने किंग ऑफ पर्सिया को एक बोर्ड भेजा था और वहीं से जो वर्ल्ड में ये गेम स्प्रेड हुआ. टुडे इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ इन हैविंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड चेस प्लेयर्स. आज इंडिया प्राउड होता है कि हमारे पास बहुत सारे चेस प्लेयर्स हैं, जैसे विश्वनाथन आनंद, हम्प्टी कोनेरू, पी हरिकृष्णा,
Parimarjan Nagy, who became the youngest chess grandmaster ever in India, breaking the Pantela Hare Krishna's record. तो पैंटेला हरे कृष्णा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडिया में बहुत सारे चेस ग्रैंड मास्टर हुए हैं यंगेस्ट, जैसे कि विश्वनाथन आनंद, हम्प्टी कोनेरू, पी हरे कृष्णा एंड परिमार्जन नेगी. Traditional games are a noteworthy part of our cultural heritage. The games enhance interpersonal and social skills. They strengthen social bonds and remind us of our legacy. The games indirectly teach us the spirit of sportsmanship, honesty, leadership, obedience and give us our identity and uniqueness. So traditional games हमेशा से ही हमारी cultural heritage का part रहे हैं और ये games हमारी social skills को और interpersonal skills को enhance करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं. ये हमारे social bonds को strong बनाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ये हमारी legacy है, मतलब हमारी हमें विरासत में मिला है. तो ये गेम्स इनडायरेक्टली हमें स्पोर्ट्समैनशिप सिखाते हैं, ऑनेस्टी सिखाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, ओबीडियंस सिखाते हैं और हमें आइडेंटिटी और यूनिकनेस भी देते हैं. नाउ वी शैल मूव टू द लेट्स ट्राई क्वेश्चंस. लेट्स ट्राई वन. विच वर्ड्स इन द टेक्स्ट हैव दिस मीनिंग्स. इस टेक्स्ट में इन वर्ड्स के मीनिंग निकालने हैं हमें. तो एंड्योरेंस मतलब स्टेमिना, मेनली मतलब प्राइमरीली, प्लेंटी मतलब न्यूमरस, मैच्योर मतलब इंश्योर्ड, इंक्लूडेड मतलब कंप्राइज्ड, फिल्ड मतलब इन्फ्यूज्ड, रिकवर मतलब रिट्राइव, एक्सेप्शनली मतलब यूनिकनेस. लेट्स ट्राई टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेज फ्रॉम द टेक्स्ट. इन सेंटेंसेज को कम्प्लीट करना है. हेल्थी माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी. गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी ऑफ इंडिया. डॉजिंग एंड कंट्रोल स्पीड मेक द गेम ऑफ खो खो क्वाइट थ्रिलिंग. इंडिया हैज ऑलवेज वॉन द कबड्डी टूर्नामेंट्स. काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इज हेल्ड इन गुजरात ड्यूरिंग मकर संक्रांति. कितकित रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी एंड निम्बलनेस. ओके, तो लेट्स ट्राई टू इज कम्प्लीट. लेट्स ट्राई थ्री. Choose the correct option. Games have been an important part of, answer is B, Indian culture. Kho-kho in ancient times was known as Rathera, answer C. Wrestling is referred to as Malla Yuddha. D. Vishwanathan Anand and Humpty Konnerud are famous for playing chess, answer is A. Let's try 4. Read the question and answer them in your notebook. The question 1, 2, 3, 4 are on the next page. Question 5th is match the columns. तो मैच द कॉलम्स में कित कित को इकत दुकत बोलते हैं. सी, चेस को शतरंज बोलते हैं. ई, रेसलिंग को मल्ल युद्ध बोलते हैं. डी, खो खो को रथेरा बोलते थे. बी एंड काइट फ्लाइंग को पतंगबाजी. ए. लेट्स ट्राई 4. क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर हियर ऑन द नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द गेम ऑफ खोखो कॉल्ड इन एंशियंट टाइम्स एंड व्हाई वाज इट कॉल्ड सो. व्हाट आर द मेन ट्रेट्स रिक्वायर्ड टू प्ले खोखो. पुराने टाइम्स में खोखो को क्या कहा जाता था, उसको ऐसा क्यों कहा जाता था और खोखो खेलने के लिए मेन ट्रेट्स क्या क्या हैं. तो आंसर इज द गेम ऑफ खोखो वॉज कॉल्ड रथेरा इन एंशियंट टाइम्स. खोखो को रथेरा बोलते थे क्योंकि इसे रथ और चैरियट्स पर खेला जाता था. इस गेम्स में हमें स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, तो ये ट्रेट्स हमें चाहिए. क्वेश्चन इज नंबर 2. विच गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाभारत वेयर अभिमन्यु गेट्स ट्रैप्ड इन चक्रव्यूह. डिस्क्राइब द गेम. कौन सा गेम महाभारत से ओरिजिनेट हुआ है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, उस गेम को डिस्क्राइब करें. तो कौन सा गेम था, कबड्डी. द गेम इज कबड्डी. इट इज अ गेम विच इज प्लेड टू इंक्रीज सेल्फ डिफेंसिव स्किल्स एंड क्विक रिस्पॉन्सेज टू अटैक्स. इट इज अ गेम दैट रिक्वायर्स डॉजिंग, ब्रेथ कंट्रोल एंड शार्प रिफ्लेक्सेस ऑफ काउंटर अटैक्स. द प्लेयर होल्ड्स हिज ब्रेथ एंड ट्राइज टू टच द अपोनेंट एंड रिटर्न टू हिज टीम एंड ऑल द व्हाइल ही चैंट्स कबड्डी कबड्डी. इस गेम का नाम क्या है, कबड्डी. यह हमें खुद को बचाने की स्किल्स और अटैक्स पे क्विक रिस्पॉन्स करने की स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है. इस गेम में हमें क्विक मूविंग मतलब डॉजिंग, ब्रेथ कंट्रोल और शार्प रिफ्लेक्सेस काउंटर अटैक्स पर देने की ज़रूरत होती है. और प्लेयर अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखता है, अपोनेंट्स को टच करता है और अपनी टीम में वापस आता है और इस पूरे टाइम वो कबड्डी कबड्डी चैंट करता है. क्वेश्चन नंबर 3. What are the wrestlers referred to as? Why are they trained? Name two well-known Indian wrestlers. Wrestler को क्या कहा जाता है, वो कहाँ पर train किए जाते हैं और Indian wrestlers के नाम बताने हैं. Wrestlers are referred to as पहलवान्स. उनको पहलवान बोला जाता है. उनको अखाड़ा और दंगल में train किया जाता है. Two well-known Indian wrestlers are सुशील कुमार सोलंकी एंड गीता फोगाट. Question number 4.
नेम द स्पोर्ट विच इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल इन इंडिया, हाउ इट इज़ द गेम प्लेड. तो एक स्पोर्ट बताना है जो इंडिया में अभी भी एक फेस्टिवल जैसे माना जाता है और उस गेम को कैसे खेलते हैं. तो कौन सा गेम है? काइट फ्लाइंग. काइट फ्लाइंग इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल इन इंडिया. इन काइट फ्लाइंग द मेन एम इज़ टू कट डाउन द अनदर प्लेयर्स काइट वाइल विथ अ स्ट्रिंग एंड देन चेजिंग द काइट टू रिट्राइव इट. इफ अ पर्सन इज एबल टू रिकवर द काइट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ट्रॉफी. तो काइट फ्लाइंग में दूसरे पर्सन की पतंग को काटना होता है और उस काइट को पकड़ना पड़ता है. जब अगर किसी पर्सन को वो काइट मिल जाती है, कटी हुई पतंग, तो वो जीत जाता है. लेट्स ट्राई फाइव में ट्रेडिशनल गेम्स आर नॉट वर्थी पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज. व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. तो ट्रेडिशनल गेम्स को कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट माना गया है. स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको शॉर्ट पैराग्राफ में बताना है. द स्टेटमेंट मीन्स दैट ट्रेडिशनल गेम्स कंटेन द स्पिरिट ऑफ आवर हिस्ट्री. स्टेटमेंट का मतलब है कि ट्रेडिशनल गेम्स में हमारी हिस्ट्री की आत्मा बसी हुई है. दे रिमाइंड अस ऑफ आवर लेगेसी, वॉट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम फोर फादर्स. ये हमारी विरासत के बारे में हमें याद दिलाते हैं कि हमने अपने फोर फादर से क्या लिया है. दे प्रोवाइड अस आवर ओन आइडेंटिटी. वी फील प्राउड दैट दिस गेम्स ओरिजिनेटेड इन आवर कंट्री एंड वी डिड नॉट हैव टू एम्बाइम दैट फॉर अदर कंट्रीज. तो ये हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं. हमें गर्व महसूस होता है कि गेम्स हमारी कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं और हमें किसी और कंट्री से इन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस आर लेट्स ट्राई फाइव. लेट्स ट्राई सिक्स इज़ वर्ड पावर. वर्ड पावर में सब कुछ हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताया है कि इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, टीम स्पोर्ट होते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं. तो कुछ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन. और कुछ टीम स्पोर्ट्स हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी और क्रिकेट. तो हमें इनमें से कुछ गेम्स इंडोर्स खेलते हैं और कुछ गेम्स आउटडोर्स भी खेलते हैं. तो लेट्स ट्राई सिक्स में हमें वन साइड जो है इन स्पोर्ट्स में आने वाली जो चीज़ें होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो लिए रखे हैं और राइट साइड में आपको स्पोर्ट्स के नाम दे रखे हैं. तो आपको उनसे मैच करना है कि किस कौन से जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कौन से गेम में यूज़ आते हैं. तो फर्स्ट है टेनिस. तो टेनिस बॉल आपकी रैकेट में काम आती है. बी, टेनिस में आपके रैकेट काम आते हैं. सो बी. सेकंड स्पोर्ट इज गोल्फ. तो गोल्फ आपका गोल्फ गेम में आपको क्लब्स काम आते हैं. तो सी. थर्ड गेम इज बेसबॉल. तो बेसबॉल में हमें क्या चाहिए? बैट. ए. फोर्थ इज स्क्वैश. तो स्क्वैश में क्या चाहिए? हमें रैकेट्स चाहिए. तो बी. टेबल टेनिस में भी हमें रैकेट्स चाहिए. तो बी. हॉकी में हमें स्टिक चाहिए. तो डी. और बैडमिंटन में भी हमें रैकेट्स चाहिए. तो बी. तो यहाँ पर फर्स्ट देन फोर्थ देन फिफ्थ और सेवेंथ, इन सभी गेम्स में हमें रैकेट चाहिए. तो इन सभी का आंसर है बी और बाकी दे ही रखे हैं. लेट्स ट्राई सेवन. दिस आर सम ऑफ द फाइटिंग स्पोर्ट्स. ये स्पोर्ट्स हैं और इनमें क्वेश्चंस के बेस पे हमें आंसर देना है. विच ऑफ दिस गेम्स टेक प्लेस इन अ रिंग? रिंग में हम बॉक्सिंग और रेसलिंग करते हैं. किन स्पोर्ट्स में हमें ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है? बॉक्सिंग. किन स्पोर्ट्स में ब्लैक बेल्ट पहना जाता है? कराटे और जूडो. और किन स्पोर्ट्स में हम अपोनेंट को थ्रो करते हैं? रेसलिंग और जूडो. सो दिस आर योर लेट्स ट्राई 1 to 7. यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर बुक एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी एंड सेंड इट टू मी इन अ PDF.